अधिकारी एवं कर्मचारीगण, सम्मानीय बुजुर्गों, माताओं एवं भाइयों एवं बहनों, गणतंत्र दिवस के इस सुप्रभात में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एवं नमन करता हूं राष्ट्र के स्वाभिमान और गौरव के प्रतीक इस तिरंगे राष्ट्र ध्वज को। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तब अंग्रेजी हुकूमत अपना यूनियन जैक समेटकर यहां से चलते बने। इसके बाद ये विचार किया गया कि देश को विकास के शिखर तक किस तरह पहुंचाना है, इसलिए संविधान का निर्माण किया गया। संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कानून के महान विद्वान थे, उन्होंने विश्व के कई देशों के संविधान का अध्ययन करके 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारत के संविधान का निर्माण किया। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में स्वतंत्र भारत का संविधान लागू किया गया था, जिसमें संविधान निर्माताओं ने देश के सभी नागरिकों के लिए मूलभूत अधिकारों का, मूलभूत कर्तव्यों का तथा शासन प्रणाली का विस्तार से विवेचन किया गया था। हमारे संविधान में रूल ऑफ लॉ यानी विधि के शासन को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, जिसका अभिप्राय यह होता है कि कानून के आगे देश के राष्ट्रपति एवं सामान्य नागरिक एक समान हैं। दोनों के साथ कानून विशेषाधिकार को छोड़कर एक समान व्यवहार करेगा। संविधान में गणतंत्र यानी रिपब्लिक व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसका अभिप्राय यह होता है कि देश के सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति वंशानुगत नहीं होकर जनता द्वारा चुना हुआ व्यक्ति आसीन होगा। संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान में उल्लेखित प्रत्येक अनुच्छेद, प्रत्येक शब्द की विस्तृत व्याख्या की है, जिसमें संविधान की आत्मा या ये कह सकते हैं कि मूलभूत प्रस्तावना इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हमारे संविधान में सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा समता एवं समानता का अधिकार दिया गया है तथा धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। साथ ही देश के सर्वांगीण विकास के लिए नागरिकों को विभिन्न कर्तव्यों की पालना हेतु पाबंद किया गया है तथा सरकार को नीति निर्देशक तत्वों द्वारा पाबंद किया गया है कि समाजवादी एवं कल्याणकारी राज्य की दृष्टि से विकास करें एवं कमजोर वर्ग तथा महिलाओं एवं बच्चों के विकास के लिए विशेष प्रावधान करें। मैं सभी नागरिकों से अपील करना चाहता हूँ कि अपने मानवाधिकारों एवं कर्तव्यों की पालना हेतु सजग रहें, सभी सामाजिक बुराइयों एवं कुरीतियों से दूर रहें, महिलाओं का सम्मान करें एवं उनके मानवाधिकारों की रक्षा करें, सभी बच्चों को समान रूप से उच्च शिक्षा दिलवाकर उनके भविष्य को उज्जवल बनाएं, बेटे एवं बेटी में समानता रखें। हम सबके लिए ये गर्व की बात है कि महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ बराबर कदम से कदम मिलाकर देश की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं एवं वायुसेना में भी लड़ाकू विमान उड़ाकर महिला शक्ति का परिचय दे रही हैं। आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। Yeah.
सपोर्ट।